और अब खबर लखनऊ से, जहां एक मदरसे के संचालक पर मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। लड़कियों के परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने मदरसे पर छापा मारकर 51 लड़कियों को वहां से छुड़ाया है। लखनऊ के सहादतगंज के मदरसे के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। आला अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मदरसे पर छापेमारी कर रही है। कुछ ही देर में एक एक कर लड़कियां मदरसे से बाहर आती दिखाई दे रही हैं। इस पूरी गहमा गहमी की वजह बेहद संगीन है, क्योंकि मजहब का इल्म देने वाले इस मदरसे के काजी पर मासूमों की इज्जत से खिलवाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि काजी मदरसे में रहने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ करता है और उन्हें अश्लील डांस करने पर मजबूर करता है। साथ ही विरोध करने पर काजी वहशी की तरह लड़कियों की पिटाई करता है। कुछ लड़कियों ने अपने परिवार से मदरसे में हो रही ज्यादती का जिक्र किया, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। बच्चियों ने हमारी शिकायत की, पापा वहाँ पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ खिलाते हैं और डांस और तरह तरह की बातें होती हैं। वो हमको जब बताई तो हम इनसे मिलने मुलाकात के लिए आए तो कहने लगे ये मदरसा नहीं। हमने पूछा ये मदरसा है तो मदरसे में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा दीनी तालीम दुनियावी तालीम नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मदरसे पर देर रात छापा मारा और वहां से 51 छात्राओं को रिहा कराया। साथ ही आरोपी मोहम्मद तैयब को हिरासत में ले लिया गया। इस मदरसे के बारे में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो छात्राएं हैं, यहाँ पे हॉस्टल भी इन्होंने बना रखे हैं, पढ़ाई भी होती है और हॉस्टल भी बना रखे हैं। वहाँ छात्राओं ने कुछ शिकायत की थी, अब कुछ और स्रोतों से भी शिकायतें प्राप्त हुई थी। छात्राओं के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है, उसमें कई सारे आरोप छात्राओं द्वारा इसके जो संचालक थे संचालक के ऊपर लगाए गए। इसके संबंध में तत्काल थाना सादतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और जो इसका संचालक है तैयब जिया उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी की राजधानी के मदरसे में बच्चों के साथ हो रहे जुल्म की वारदात से हर कोई हैरान है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो हम लोगों ने वहाँ रेड मारा तो वहाँ 51 लड़कियाँ मौजूद थी और जो पीड़िता लड़कियाँ थी वो बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा कि इन जो संचालक थे मदरसे का वो तालिब, ये जो है यह अमानवीय प्रवृत्ति का आदमी था और ये लड़कियाँ जो वहाँ पढ़ती थी उसके साथ मोलेस्टेशन का काम करता था। जो लड़कियों ने बताया अबू तालिब को हिरासत में ले लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देश में धर्म के नाम पर मासूमों के शोषण के हाल में कई मामले सामने आए। आसाराम, राम रहीम और वीरेंद्र देव दीक्षित के बाद मदरसे के काजी मोहम्मद तैयब इस कड़ी का अगला नाम है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।